हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क इट आवर जॉब बेलफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टेम्पररी जॉब लेके आया हूँ। आपने फुल टाइम जॉब्स के बारे में सुना होगा, आपने पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये जॉब होने वाली है ये टेम्पररी बेस पे जॉब होने वाली। कहने का मतलब है कि कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक महीना काम दिया जाएगा। यस, और काम होने वाला है पैकिंग का। आपको जो है कुछ प्रोडक्ट पैक करना रहेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट्स बेंगलोर से है और यहाँ पे रह रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा है, या फिर अभी जो है पर्सेंट टाइम काम छोड़ के बैठा है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें, ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिले। और वीडियो पसंद आने पर शेयर और कमेंट्स करना कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स, जॉब से होने वाली है पैकिंग की। पैकिंग का आप मैं बता दूं कि ये जो कंपनी रहती है ये हिंडोई कंपनी रहती है। कहने का मतलब कार, जो कार रहती है ना, फोर व्हीलर, उसकी ये मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसमें क्या रहेगा, कंपनी जो है कुछ मॉडल्स तैयार करती है, नई नई कार्स जो लॉन्च आने वाली है मार्केट में, उसका जो है कुछ मॉडल्स तैयार करती है कि आने वाले टाइम में ऐसा मॉडल्स रहेगा, ऐसा काम रहेगा। तो ये जो जॉब है ये इंजीनियर के पोस्ट के, मतलब जैसे इंजीनियर रहता ना, वहां पे जो ये काम रहेगा। आपका काम क्या रहेगा कि कंपनी जो कुछ मॉडल्स बनाती है उसको अच्छे से पैक करना, अच्छे से समेट के पैक करके उसको रेडी करके कंपनी को देना। अब वो कंपनी क्या करती है, उस मॉडल्स को जो है अलग अलग जो है शोरूम्स में पहुंचाती है, अपने हेड ऑफिस में पहुंचाती है, वहां से वो अलग अलग जो है कंपनी में जाता है या फिर जो है शोरूम्स में जाता है। तो आपका काम सिर्फ क्या रहेगा कि उन मॉडल को अच्छे से पैक करना, पैक करके जो उनके अकॉर्डिंग जो अच्छे से पैक करके रखना, बस उतना ही काम है ये। टाइमिंग होने वाला इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी। यस, 8 घंटा ड्यूटी होने वाली है। और ये प्राइवेट लिमिटेड मतलब मैन्युफैक्चर प्लांट से है, हिंडोई का कार शोरूम का, बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चर जो है प्लांट है। हाल फिलहाल कंपनी इसको टेम्परेरी बेस पे ले रही है। कहने का मतलब है कि आप टेम्परेरी बेस पे अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको कंपनी जो है परमानेंट भी रख सकती है, लेकिन अगर मैं आपको परमानेंटली नहीं रखती है तो 1 महीने के बाद आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं वापस कि सर, हम जो है वहां से हम लोगों का काम फिनिश हो गया है, आप कोई दूसरा जॉब है तो बताइए। और वैसे भी हम लोग तो टच में रहेंगे ही रहेंगे आपको, तो जो वहां से जो है जॉब छूटने से अब 10 दिन पहले ही आपको नई जॉब के बारे में अपडेट दिया दिया जाएगा। तो इसमें सैलरी होने वाली है 14,000 रुपये सैलरी होने वाली है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। टाइमिंग होने वाला है इसमें 10 बजे से लगाकर शाम के 6 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। ऑफिशियल जॉब से, ऑफिस स्टाफ जैसा जॉब से, और अच्छी सैलरी वाली जॉब से। हार्ड वर्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, और आपको जो है कोई भी लैंग्वेज इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आपको इंग्लिश आना ही नहीं चाहिए आपको, या फिर जो है कुछ लोकल कन्नड़ा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी वाले हैं तो भी चलेगा, आप तमिल वाले हैं तो भी चलेगा, या फिर आपको कौन सी भी लैंग्वेज क्यों ना आती हो, इस जॉब के लिए सारी लैंग्वेज चलेगी। एज लिमिट इसमें कंपनी ने फिक्स कर रखी है, 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 28 लास्ट एज होनी चाहिए इसमें। जो कैंडिडेट्स बेंगलोर में रह रहे हैं ऑलरेडी, या फिर जो कैंडिडेट्स बाहर वाले हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनके पास अगर रूम है तो वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन होने वाला है इसका बनागट्टा रोड में वैकेंसी चल रही है अभी। पोस्टिंग है 20 कैंडिडेट्स की, 20 लोग चाहिए इसमें, 20 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं इसमें तो 1 महीने के बाद में आपको जो है कंपनी परमानेंट कर लेती है। और परमानेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होना बोले तो बहुत अच्छा बेनिफिट और बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं उसमें, जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉलीडे हुआ, ESIPF हो गया, एक्स्ट्रा इंसेंटिव हो गया, इसके अलावा TADA हो गया, बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग होते हैं डायरेक्ट। तो ये जॉइनिंग डायरेक्ट ही रहेगी, हमारा रोल सिर्फ आपको जो है जॉब दिलवाने तक रहेगा, पेमेंट तक रहेगा कि आपको अच्छे से टाइम पे पेमेंट मिले। वैसे भी एक बात बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती हैं जो डायरेक्ट डील करती है, उसमें जो पेमेंट जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है,
इसीलिए तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं फ्री जॉब और डायरेक्ट जॉब, जो बीच में बिचौलिया नहीं रहता है, बीच में कोई खाने वाले एजेंसी वाले नहीं रहते हैं, जहां आपको पैसे का नुकसान हो, जहां आपको कुछ दूसरा नुकसान हो, इसलिए हम लोग आपके लोगों के लिए डायरेक्ट जॉब लेके आते हैं। तो वैसे ही जॉब है ये बनरगटा लोकेशन के लिए होने वाली है। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे कॉल कर सकता है। ज्वाइनिंग 1 तारीख से चालू होगी, अभी 4-5 दिन बाकी है। 1 तारीख से इस सॉरी 31st से चलोगे, 31 अक्टूबर से लगाकर 1 तारीख तक आने वाली, 1 तारीख बोले तो 1 महीना चलने वाली जॉब से यह 20 बंदों की रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने बोला कि जो लैंग्वेज कोई सी भी रहती चलती है, एज लिमिट मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा फैसिलिटी में कंपनी हाल फिलहाल इसमें अभी कुछ भी नहीं दे रही है, रूम खाना पीना कुछ भी नहीं दे रही है। तो गाइस रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है आप खाना और रूम वगैरह की फैसिलिटी की का आप नहीं पूछे। अगर आपके पास रूम है, आप रह रहे हैं बेंगलोर में, पीजी में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी बेस्ड जॉब होने वाली है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग के पास जो जो जॉब आती है ना, वो अलग ही आती है, कुछ हटके आती है, जो कोई भी एजेंसी वाला कोई भी कंपनी वाला नहीं लेके आता है। 6 घंटे की जॉब्स, 3 घंटे की जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, ऐसी ऐसी जॉब्स हम लोगों के पास रहती है। वैसी ही जॉब्स है ये टेम्परेरी जॉब, परमानेंट जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, सर वैसे ही है टेम्परेरी जॉब्स। तो गाइस हमेशा की तरह ये जॉब्स भी फ्री जॉब होने वाली है। और एक और अच्छी बात और खुशखबरी वाली बात कि हम लोगों का एक और ऑफिस लोकेशन नया ओपन होने वाला है बनरघट्टा रोड में। बनरघट्टा रोड में 1 तारीख को आपको नया ऑफिस देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए विजयनगर वाला ऑफिस का रिव्यू भी चाहिए तो कल परसों आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और 1 तारीख से नया जो ऑफिस जो ओपन होगा उसका भी रिव्यू का वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। आप लोगों के लिए अभी दो लोकेशन में ऑफिस अवेलेबल है, बनरघट्टा रोड में और विजयनगर में। जो मजेस्टिक में जो है उतरते हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट जो है विजयनगर नियर बाई रहता है, और मान लो जो है सिक्योरिटी वगैरह दूसरी कंपनी में जॉब्स के लिए आते हैं तो उन लोगों के लिए बनरघट्टा जो है ऑफिस आना पड़ेगा। तो गाइस हमेशा की तरह आज की जॉब्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, बिना किसी चार्जिंग का। मैंने पहले ही बोला कि हम लोगों के पास हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री जॉब्स मिलेगी, बिना किसी चार्जिंग का, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है हमारे यहाँ। ना तो आपको ट्रस्ट के नाम पे लूटा जाता है, ना तो आपको विश्वास के नाम पे लूटा जाता है, ना आपको ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे लूटा जाता है। तो गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे कॉल कर सकता है डायरेक्टली। कॉलिंग का टाइम जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा की तरह है 10 बजे से लगाकर 5 बजे के बीच। तो गाइस जल्दी से अप्लाई करें, 31st तक, 31 तारीख तक, अभी बोले तो 4 से 5 दिन है इस जॉब के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो गाइस लोकल का भी रहने दो या फिर आउट वाला भी रहने दो, सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से अप्लाई करें, कहीं अच्छा मौका हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी ज्वाइनिंग रहती है, और इतनी बड़ी कंपनी जब आप एक बार जॉब करेंगे तो पता चलेगा कि रियली सर अच्छा किया आपने, अच्छी जॉब्स लेके आया आप लोगों के लिए। हाँ लेकिन स्टार्टिंग में ये रहेगा कि टेम्परेरी जॉब रहेगी, कंपनी आपको जो 1 महीना भर तक के लिए रखेगी पहले कि काम कैसा करता है कैसा नहीं करता करके। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 1 महीने के बाद परमानेंटली लिया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपको परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोगों की कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाएगा कि हम लोगों की कंपनी उस कंपनी को कैसा कैंडिडेट्स देता है, और आप कैसा काम करते हैं वहां जाके, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट जो है कंपनी प्रोसेस करेगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से अप्लाई करें, अच्छा मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जॉब्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।